उनकी टक्कर हो गई, उनकी टक्कर हो चुकी है वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह। भगवान ना करे अब फिर से ऐसी टक्कर हो, वरना टक्कर डे हो जाएगा जिस दिन। अरे पागल हो गए भाई, दिखता नहीं तुम्हें? तुम क्या बच गए, बस तो हम गए। हेलो हेलो कुसुम, श्रुति क्या चल रहा है, क्या क्या किया आज? कुछ नहीं मैम, बस न्यूज पोर्टल में न्यूज डाली, प्रधान वाली खबर डाल दी ना तुमने। हाँ श्रुति, मैं बोलने वाली थी कि आज हम लोगों को प्रेमनगर जाना है एक स्टोरी के लिए। मैम वहाँ पे नेगी जी का कॉटेज भी तो सुबह बता रहे थे, वहाँ भी चल लेंगे मैम। भाई तुम्हें तो घूमने के लिए पड़ी रहती है समय, भगवान बचाए घूमने उमने कुछ नहीं। मैम चलते हैं, मैं नहीं गई थी उस टाइम। मैम 3 दिन हो गए मैम उस बात को, 3 दिन पहले आ गए हम। कुसुम ने बोला तो जाना ही पड़ेगा, ये इसने बहुत मिस किया हम लोगों को यहाँ। चलो ठीक है चलते हैं फिर, निकालो। तो जैसा कि टीम का मूड बन गया कि हम लोग निकल जाए काम के साथ कहीं घूमने भी, तो उत्तराखंड की नौनी हम अपनी टीम के साथ जा रही है प्रेमनगर साइड, और देखते हैं वो आगे कुछ खाते पीते भी हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरह से हम लोग वहाँ पहुँच के करते हैं मस्ती। बने रहिए उत्तराखंड की नौनी के साथ, चले फिर टीम। चलो अब हम निकल रहे हैं अपनी स्टोरी कवर करने और थोड़ी बहुत घूमघाम करने के लिए। ओ उनकी टक्कर हो गई, उनकी टक्कर हो चुकी है वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह। शगुन शगुन हो चुका है, ये क्या है, टकराते रहोगे क्या? तुम टकराते हो, तुम टक्कर मारने के लिए निकले हो? सही हो गया, टक्कर हो गई रहे लड़कियों की। तो अभी जो मेरे साथ दो लड़कियां आ रही हैं उनकी टक्कर हो गई एक बाइक वाले से, खैर उसे थोड़ा बहुत बोला वो चला गया, भगवान ना करे अब फिर से ऐसी टक्कर हो वरना टक्कर डे हो जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, फिर से आगे की तरफ। कुसुम के काम ही उल्टे रहते हैं, उसकी गाड़ी पड़ेगी। अभी हम निकले हैं, टक्कर हुई है और फिर से मैं ये बोलूंगी कि दोबारा कोई टक्कर ना हो, मैंने बोला ना वरना टक्कर डे हो जाएगा। पूरे देश भर में हमारे एफआरआई को माना जाता है, रिसर्च होती है यहाँ, यहाँ का म्यूजियम भी बहुत फेमस है। ये देखिए IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, हमारे देश की आन मान शान। और क्योंकि ये दोनों टकरा गई थी तो अभी हमें फॉलो कर रही है बार बार कि फिर से कहीं टकरा, हाँ फिर से मत टकरा लो ना, टक्कर डे हो जाएगा वरना। ये टक्कर वालों आ गया हो, दोबारा तो नहीं टक्कर। यूट्यूब तो पीछे चला गया, ये कृषि भवन था पीछे तो अल्पाई ने जहाँ मुझे आना था जा रहे हैं स्टूडेंट। थोड़ा और आगे आ गए हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज पीछे चला गया है। और जब भी कोई टैंकर जाता है उससे पानी गिरते 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 जरूर जाता है रोड पर। देखिए 3-3 लोग कॉलेज के बच्चे और इधर जा रहे हैं, बहुत ही गलत है, ये ट्रिपलिंग करके इस तरह से जाते हैं। अच्छा व्यू है, कितना अच्छा नज़ारा है, इतने टाइम बाद आज मैं आई हूँ। चलो इन दोनों की वजह से मेरा भी हो गया, घूमने जा रही है और बारिश हो गई है तो सब कुछ एकदम से हरा भरा हो रहा है फिर से। देहरादून हमारा जन्नत है, जन्नत, मज़ा आता है घूमने के लिए। थोड़ी सी दूरी पर निकल जाओ तो बस शांति, ग्रीनरी सब कुछ है। ये जूस की दुकान जहाँ पे की तरह तरह के जूस मिलते हैं देखो, लेकिन हमने क्यों नहीं, अरे जूस पीना था भाई, रोकी क्यों नहीं वहाँ पे गाड़ी? अरे मोड़ो गड्डी वालों, गड्डी मोड़ो भाई, जूस पीना है। अरे पागल हो गया भाई, दिखता नहीं तुम्हें? ऐसे क्या मोड़ो, इतने फास्ट क्या आ रहे हो? ढंग से तो देख के मोड़ लो तो यार, तुम भी तो देखो ना, बदतमीजी कर रहे हो यहाँ पे, बिल्कुल तेज चल रहे हो तुम। साइड में लगाओ गाड़ी, तो गाड़ी साइड में लगाओ, बकवास ना करो। तुम क्या बच गए, बस तो हम गए,
कोई तरीका है क्या चलाने का? अचानक से ऐसे मोड़ दे रहे हो आप? नहीं, तरीका तो तुम्हें सिखाएंगे आज हम ढंग से। अरे इधर आना। नहीं, एक वो तो सही है, आप बच गए। अब आप बकवास लग रहे हो फालतू, बहुत ज्यादा मुंह चल रहा है आपका। मुंह चल रहा है, पता नहीं क्यों खाली रोड पर। क्या हो गया मैम? क्या हो गया? बदतमीजी चला रहा है। अरे ये गाइस ले, ये रहने दे, बस इसको ऐसे ही बता दे, हमारा मुंह ही बहुत है बहन, रहने दे। नहीं मतलब गलती भी खुद करो और खुद ही मुझे ही बोलो उल्टा। यार ये इतनी तेज आ रहा था ना बाइक लेके, एटलीस्ट इसको ये तो होना चाहिए कि इतनी तेज फास्ट ड्राइविंग नहीं करते हैं। मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा। अरे पति भाई, हमारे पास भी है रिकॉर्डिंग, समझा? 15 का बहुत बड़ा ब्लॉगर, हमारे पास भी रिकॉर्डिंग है। नहीं ब्लॉगिंग की बात नहीं है, आप भी मीडिया का वो दिखा रहे हो मुझे। अभी मैंने नहीं दिखाया ना, इन्हें नहीं पता, बच्चों को दिखा दिया इन्होंने। गलती मैं आपकी भी थोड़ी बोल रहा हूँ, आपकी इनकी गलती है मेन। तो इन्होंने जो क्यों गलती है, वो हमारे साथ ही तो है। ठीक है बात, उन्होंने सीधे मोड़ दिया मेरी, क्या मैं तो बताया है उल्टा मैंने। हमारे साथ है वो, गलत नहीं हो सकता, गलत तुम हो। क्या बात है, गलती आप साइड हो जाएगी आपकी। अरे रुक गया भाई, ट्रिपलिंग कर लो भी। एक काम करते ना, मैं इसको छोड़ के आ जाती हूँ, फिर मैं आपको लेने आ जाऊंगी। मैं यहीं बैठूंगी फिर जूस की शॉप पे। हाँ आप उधर जूस की शॉप पे बैठ जाओ, तो मैं इसको छोड़ आती हूँ, आपको लेने आ जाऊंगी। ट्रिपलिंग तो अलाउड भी नहीं है मैम, क्या करें? नहीं तो मैम एक काम करते, मैं इसको छोड़ देती हूँ, फिर मैं आपको लेने आ जाऊंगी। यहाँ से कुछ चलता है क्या विक्रम? यहाँ से तो कुछ भी नहीं चलेगा। आपकी तो कोई गलती नहीं थी, आप पहले उनको बुलाओ। एक सेकंड प्लीज, आपकी लेने तो आ जा भाई, अब हम यहीं बैठ रहेंगे। नहीं वो नहीं गया, वो यहीं है भाई। हाँ तो तू क्या डर रहा है, अब है ना तेरे साथ? हाँ बोल रहा है कि बुलाओ। तो ठुकी क्या उसकी बाइक? पता है ना, पता है कि उनकी गलती थी। गलती थी क्या लगा रखा है तू? अरे तू आ, क्या बोल नहीं आ रहा फिर अब कैसे बोला? कुछ चलता है यहाँ पे ऑटो? पहले तो ड्राइवर सही से कर लो ना, जब उन्हें चलाना ही नहीं आ रहा तो। आप रहने दो ना, आप क्यों हमारे पंगे में पड़ रहे हो? हमारा ड्राइवर सही है कि नहीं है कोई बात नहीं, अब हमारा इशू है, आप जाओ। खाली रोड मुड़ने का मतलब क्या है बात? अरे यार अब जाओ ना, क्यों वो हो रहे हो? अब हमारा दिमाग और खराब होने वाला है। दिमाग तो आपने खराब कर दिया ना, मैं अच्छा था। और वैसे भी आज निकलते साथ ही तुम्हारी टक्कर हुई थी ना, आज टक्कर डे ही हो गया। आज मैं उसी समय कह रही थी कि दोबारा टक्कर ना हो, भगवान करे, एक बार हो गई तो हो गई, पर ये साहब आ गए, दोबारा टक्कर हो गई। मैंने टक्कर तो नहीं करी, बचा दिया मैंने आपको, ये कोई बात नहीं ना, जो भी हुआ वो बहुत अच्छा हो गया, बस खुश रहो आप। सारा मूड खराब कर दिया यार, जल्दी आना छोड़ के प्लीज, आई एम वेटिंग। हाँ यार मैं वेट कर रही हूँ। गलत और सही तुम चिंता मत करो, हम सब कुछ सही कवर करते हैं, इसलिए हमने तुम्हें कवर नहीं किया, ठीक है? शुक्र मनाओ कि वो बिना कुछ बोले चला गया, वरना यहाँ पे हाथापाई हो जाती आज। अच्छा है ना, मैं तो चाहता भी नहीं हूँ कि हाथापाई हो, तो बस अच्छी बात है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आपको अकेले छोड़ के वो भी चले गए, आप भी अकेले जा किधर रहते आप? ये स्थिति हो गई है कि जंगल में फंस गई हूँ मैं आज इस इंसान की वजह से। चलो ठीक है फिर, अच्छा लगा आपसे, नाइस टू मीट यू, मिल के। वो आपके साथ के एक इधर चले गए छोड़ के, एक उधर जा रहे छोड़ के, लड़ाई उड़ गई है वो बात चल रही है। अरे नहीं नहीं चली जाऊँगी, चल लीजिए, ये तो अकेले कहाँ पर हो गया वो छोड़ के आ जाएगी वो। चल लीजिए चल लीजिए, अकेले ही जा भी जा रहे हैं। अब आप और परेशान हो जाओगे, आगे किसी और से टकरा जाओगे, तो फिर मैं भी साथ में लड़ूंगी आपके साथ मिल के। हाँ बस लड़ती रहूँ मैं, मतलब बैठना ही पड़ेगा। चलो खराब मूड लेके अपना मूड सही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो बस हुआ। राइड में निकला था कल, मेरे साथ बहुत बुरा हो रखा है, तो मैं सोच रहा था कि मूड सही करने के लिए निकलते। कहीं क्या बुरा हो गया ऐसा? अब हुआ है मैम, पर्सनल स्टफ
छोड़े क्या गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया क्या? बस वही सब किया, गर्लफ्रेंड ने दोस्त ने छोड़ दिया थोड़ा। अच्छा कोई बात नहीं, दोस्त को मिलते रहते हैं। हाँ भाई गर्लफ्रेंड्स भी मिलती रहती हैं, इस जीवन में कुछ भी स्टेबल नहीं है, सब चेंज होता रहता है, सब कुछ चेंज होता रहता है। सही बात, जैसे आपके ड्राइवर भी चेंज हो गया आपसे। हाँ कोई बात नहीं, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, कुछ चेंज भी हो गया तो कुछ अच्छे के लिए ही हुआ होगा। और आप क्या बोल रहे थे, मतलब उन्होंने इससे पहले भी गाड़ी से कुछ रखे पहले भी? किसने बोला आपको? अभी तो अच्छा तो अभी आज हाँ अभी जब हम आज हम लोग निकले तो निकलते साथ ही इन दोनों लड़कियों की टक्कर हो गई थी बाइक वाले से, हालांकि वो आपकी तरह बदतमीज़ नहीं था, वो सॉरी बोल के चला गया। यू नो मैम सॉरी मैम, स्टार्टिंग तो आपने बोला ना, मैं तो चुप ही था। हाँ वो थोड़ा सा गलत था कि वो रॉन्ग साइड से आ रहा था। वही तो, चलो खैर कोई बात नहीं है, बात को आगे क्या बढ़ा। हाँ हम भी नहीं चाहते कि कोई बात आगे बढ़े, हम लोग अच्छे स्वभाव के लोग पता नहीं। मैं किधर जाना है, कहाँ छोड़ना आपको? वो ना अभी थोड़ा आगे जाना है, यहाँ पे हमें थोड़ा काम था और साथ वाले भी वहीं रुके होंगे, तो आप थोड़ा आगे छोड़ दोगे? हाँ ठीक है, मैं भी ऐसे ही रहूँगा। आपके आप भी ब्लॉगर? हाँ मेरा भी यूट्यूब पे चैनल है उत्तराखंड की नौनी। आप भी? हाँ वही कभी तो लगा रखा है इतना। अच्छा 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 अच्छा, क्या नाम है? हनी बॉय। ओ हनी बॉय, मैंने आपको पहचाना नहीं, बट मैं तो हनी बॉय की वीडियोस देखती हूँ। देखे आपने? हाँ आपके तो अच्छे खासे सब्सक्राइबर है। क्या सब्सक्राइबर? और हमारे उत्तराखंड के श्रीनगर के है ना आप? जी जी श्रीनगर का। देखो मुझे पता है, सरप्राइज बिल्कुल पहले ही बता देते। अरे ऐसे क्या बताना था, लड़ाई के बीच में ऐसे बोलता क्या? अरे मैं हनी बॉय। हनी बॉय हनी बॉय। चलो खैर कोई नहीं, अभी आगे जाना है थोड़ा। हाँ जी हाँ जी थोड़ा आगे जाना है अभी। और हनी बॉय तो उत्तराखंड की नौनी मिली आज, ये हमें अच्छा लगा भाई, क्योंकि हम भी यूट्यूबर हैं। अभी हनी बॉय जितने तो नहीं है लेकिन हाँ। अरे नहीं मैं भी अभी चेक करता हूँ, मेरा चैनल देखना प्लीज़ आप। उत्तराखंड की नौनी NAUNIS पहले ना, मतलब ये आप माइक वगैरह लाए? हाँ मतलब जो मेरा एक तरह से नहीं हाँ समझ रहे हो आप? किस चीज़ से? आप मीडिया से हैं क्या? हाँ हम मीडिया से हैं, वो माइक आपके लिए नहीं था, हम लोग कहीं स्टोरी कवर करने जा रहे थे उसके लिए था। बाई चांस आप टकरा के तो उसी लड़की के पास वो रहता है जो हमारी रिपोर्टर है, तो वो आपके लिए नहीं था तभी मैंने रोक दिया कि नहीं। अब मीडिया से भी है यार, तो ऐसे थोड़ी ना किसी को वो करेंगे। मुझे पता था वैसे तो आपकी गलती जो है वह बहुत कम थी। नहीं नहीं देखो माइक लगाया निदानी, मुझे नहीं पता था ना, वो माइक लगा आ गए थे तो मैं आई थॉट वो माइक लेके नहीं आए थे, माइक उनके हाथ में ही रहता है। मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा था मुझे। हां तो शी इज जर्नलिस्ट ना, तो माइक तो अपने पास ही रखेगी ना, अपना माइक अपने पास ही तो रखेगी। अब एक बात बताओ, आप ब्लॉगर हो, आपका कैमरा ऑन रहता है ना यहीं पे रहते हो तो? Always, तो फिर वो रिपोर्टर है तो माइक तो उसके पास रहेगा ना हाथ में। चलो एक अपने उत्तराखंड के एक अच्छे हाँ ब्लॉगर से जो है जान पहचान हो गई और बातचीत हो गई, इट्स गुड। सॉरी अरे तो मेरे साथ वालों की स्कूटी है, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कौन जो छोड़ के भाग गया आपको? तुम चुप रहो, उनकी स्कूटी है, उन लड़कियों की स्कूटी है। अरे वाह, गोप्रो की बैटरी खत्म हो गई इसलिए इससे बना रही हूँ। आप अपना गोप्रो ऑन करना, खत्म हो रहा क्या मजे की बात?
बैटरी खत्म हो गई। किसकी? अरे इस GoPro की बैटरी खत्म हो गई ना, आपकी आपके साथ जो लड़ाई हुई वो ज्यादा ही लंबी चल गई थोड़ी। आपकी भी GoPro की बैटरी खत्म? आप जानबूझ के नकल कर रहे हो ना, क्योंकि मैंने ऐसा बोला कि मेरे GoPro की बैटरी खत्म हो गई। उस बात में भी आप लड़ाई कर लोगे मुझे लगता है। हाँ मैं कर सकती हूँ, तभी तो, क्योंकि मेरी दूसरी बैटरी घर में छूट गई है। तभी तो मैं आपको बता नहीं रहा था कि बैटरी खत्म हो गई। यू नो तो जैसे ही मैंने बोला कि मेरी GoPro की बैटरी खत्म हो गई, आपने उसके पीछे कैसे बोला कि मेरी भी खत्म हो गई? जब हो गई असली में हो गई, क्योंकि मैं शूट लगातार नॉन स्टॉप करता हूँ ना मोस्टली आजकल। अरे हमारी तो दूसरी बैटरी छूट गई ना मेरी गाड़ी कार में। मुझे पता है ना कि रोड में निकलो तो इंसिडेंट होता ही रहता है, जैसे अभी आपने हाल ही में देखा होगा, आप ही तो थे मेन कैरेक्टर। हाँ वो तो अच्छा हुआ ना कि मेरे पास भी GoPro था बड़े आए, और हमने भी आपको शूट कर लिया। वरना आप तो झूठे आरोप लगा देते हैं हम पे, आप तो बड़े व्लॉगर हो। ऐसा कोई मैं झूठे आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो सोच रहा था कि लड़ाई ना हो। सोच तो आप यही रहते लड़ाई ना हो, लेकिन फिर भी आपके मन में बहुत कुछ चल रहा था। मन में था सिर्फ बाहर नहीं निकला। तो भैया हम पत्रकार हैं, हमारा काम है मन की बात बाहर निकालना, ठीक है? मन की बात है तो मैं भी बाहर निकाल देता हूँ बिना पत्रकार होने। हाँ तो ब्लॉगर कम है क्या हमसे? ब्लॉगर यही सब कर रहे हैं। आप हेलमेट क्यों पहन रहे हो? अब मैं निकल रहा हूँ। मैंने क्या बोला है आपको? अरे मैम लेट हो रही, मतलब लेट क्या हो रही, मुझे लेट तो नहीं हो रही पर मैंने करना। पर आप मुझसे और लड़ना नहीं चाहते हो शायद। अब मैं नहीं लड़ूंगी, चलो। इतनी दूर तक आए आप छोड़ने के लिए, चल दिए। फिर आपके साथ दो मीडिया रिपोर्टर भी है, वो उनसे तो क्या बोलना मैंने, वो तो सीधे उनकी क्या पता है गाड़ी किसी और की हो, तो अंदर जाके पता लगेगा ना। आप तो ऐसे बोलो जैसे पूरी टीम यहीं बैठी होगी पहले से आपको घेरने के लिए। मैम घेर भी दोगे क्या पता, कल के दिन न्यूज़ आ गई मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ में, मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ। अरे चलो भाई चलो, ऐसे मत करो, जल्दी आओ। बाय 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 बाय, आ जाओ। अब आपने ग्लव्स लेके जाना, ठीक है? ये देखो हम पहुंच गए इतनी बढ़िया जगह नेगी जी के स्टार वन में। अभी ना आना ही पड़ेगा, आखिरकार इनका ग्लव्स मेरे पास है। टन टन, आइए आइए, अब आइए हमारे साथ, यहाँ कुछ बैठ के चलते हैं। यहाँ पे आ जाइए। ये कौन है? कुसुम श्रुति, ये तो आपके साथ वाले है ना? तुम लग गई थी, तुम तो मुझे लेने आने वाली थी ना? मैम भूख लग गई थी, उसके कुछ खाने के बाद ही ला रहे थे, लेने आने वाले थे उसको। यार मतलब ये क्या बात होती है, मुझे जंगल में छोड़ के तुम यहाँ खा रहे हो बैठ के? अभी तक तुमने इसे ऑफिस भी नहीं छोड़ा, तुम इसे ऑफिस छोड़ने गई जाने वाली थी और अभी तुम दोनों यहाँ बैठे हुए मजे कर रहे हो। भूख लगी थी, खा रहे, अभी आपको मिलने आ रहे थे। सालो तुम्हें लगती है भूख, तो लगती नहीं। अब आप माइक लीजिए, माइक रिकॉर्ड करिए जैसे मुझे करने वाले थे। आप तो चुप ही रहिए, बस बात बात पे रिकॉर्ड करिए रिकॉर्ड करिए। आपको लग रहा है कि बस हम लड़े भिड़े, ठीक है? तुम्हें तो मैं दोनों को देख लूंगी ऑफिस में। तमीज खाओ, खाओ, खाती हूँ मेरे को तुम अभी खाओ, खाओ, और आप बैठिए, आप बैठिए प्लीज बैठिए। और मैम आप इनके साथ शॉर्ट आउट हो गए क्या? इसमें शॉर्ट आउट की क्या बात है, यहाँ तक छोड़ने आए तो पूछ लिया कि बैठ जाओ। हमारी लड़ाई क्या बोला? हमारी लड़ाई इन्होंने शायद किसी और से नहीं, शक्ल यार है। नहीं तुम खा लो यार, आप क्या खाओगे? मैं कुछ नहीं, मैं अभी देखता हूँ कुछ ऑर्डर करते हैं, मंगाया जाएगा, हम भी कुछ खाते हैं। हाँ हाँ मोटी हो, पेट फोड़ तुम अपना। तो नेगी जी की इस प्रॉपर्टी में आज हमने वहाँ पे झूला झूला, यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के खाना खाया, इंजॉय किया। और ये देखो हनी बॉय को तो हम पहले ही मुलाकात में यहाँ पे लेके आ गए, और इन दोनों बेशर्मों को देखो जो पहले से यहाँ बैठ के खाना खा रहे थे मुझे छोड़ के। सॉस खाओगे? देखो कितने बदतमीज हैं, अभी भी ऐसी बात कर रहे हैं किचन में। ऑफर कर रहे हैं हम, ऑफर अपने पास रखो। साफ सफाई है किचन में, बहुत ही बेहतरीन चीजें बनती है, बहुत ही अच्छा खाना बनता है। और एकदम इन्होंने अपने हाथों से जो है, एक बार हेलो कर दो हमें, घर जैसा स्वाद दिया है। तो आप लोग भी यहाँ आइए नेगी जी की प्रॉपर्टी में और खाइए, चलो बाय। तो ये तो झूला है, ठीक है? और ये कॉटेज है जहाँ पे आप स्टे करने आ सकते हैं, हालांकि पर नाइट बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं 3000 रुपीज़, लेकिन यहाँ आपको अपना किचन, अपना स्पेस, अपने रूम्स, अपना ड्राइंग रूम सब कुछ मिलेगा बेडरूम के साथ। तो यहाँ पे आप आइए, बहुत ही भले इंसान है हमारे प्रीतम नेगी जी। और प्रॉपर्टी को आपको आना हो, एंजॉय करना हो, तो आप उत्तराखंड की नौनी से भी संपर्क कर सकते हैं।
चलिए फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके ऊपर सबसे हमारा ऑफिस है इंस्पिरेशन पी आर एन इवेंट। क्या चलो ठीक है चलो नहीं अंदर आओ ऑफिस दिखाना है। क्या ऑफिस? हाँ देख लो एक बार मिल लो। फोटो में तो अच्छा लग रहा था आपका ऑफिस। फोटो में अच्छा था? फोटो में अच्छा सामने से भी ठीक ही है। मैं जल्दी चले आऊंगा ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बहुत मुझे देखना लाइटिंग वगैरह मुझे अच्छा लग रहा था इस चक्कर में। ठीक है जी आओ चलो अंदर बाइक लगाओ। पूछने वाला था है हमारा ऑफिस का है। चलो चलो अच्छा जी मैं अच्छा ठीक चाय मटकी जो भी होगा चाय मटकी ले आ देंगे आपके। ठीक हनी बॉय फाइनली लिफ्ट भी ठीक हो गई है। लिफ्ट सही हो गई गार्ड साहब? हाँ जी मैम आज तो ठीक हुई दो दिन बाद। हाँ दो दिन से परेशान हो रहे थे। फाइनली लिफ्ट भी ठीक हो गया। यूट्यूबर आए हमारे साथ इनके लाखों सब्सक्राइबर है यूट्यूब पे आप भी देखना इनको। आओ वो मैं आया ना तब लिफ्ट सही हो गई। हाँ आपके स्वागत में। आपको कैसे पता लगा? हमने तो कल से ही बोल रखा था। देख लिया आपने सच्चाई? शुभ होगा शुभ सच्चाई देख ली सच्चाई। ये देखो अब हम ऊपर पहुंचते हैं। हम पहुंच गए हैं ऊपर और देखो हम चाह रहे हैं हमारे ऑफिस का अच्छा है ना इनॉग्रेशन आप ही करो आज ताला खोलो। अरे नहीं नहीं मैम कोई बात नहीं आप अरे खोल लो कोई नहीं मैम मैं ऐसे करता हूँ दोनों करते हैं मैं ताला पकड़ता हूँ ऐसे करते हैं। और ये खुल गया फाइनली ताला। चलिए जब तक लाइट्स ऑन नहीं होंगी तब तक मैं हनी बॉय को अंदर नहीं आने दूंगी ठीक है। मैं जरा पहले सारी लाइट्स ऑन कर देती हूँ फिर मैं उन्हें अपने ऑफिस में बुलाऊंगी। Yes, most welcome. तो हनी बॉय ने हमारा ऑफिस देख लिया है। वो देखो आके बैठे हैं कितनी तसल्ली से बैठे हैं वो हमारे ऑफिस में सोफे में। कभी इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी जगह पहुंच जाएंगे। कैसा लगा आपको हमारा ऑफिस ये बताओ। क्या बात है वाह बात है वाह 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 दिल खुश कर दिया आपने। आपके दिल से हमारे दिल तक आवाज पहुंची कि आपको ऑफिस पसंद है। और ये देखो ये दोनों भी पहुंच चुके हैं। कहाँ गई वो? अच्छा वो बाहर गई है। ये लोग भी पहुंच चुके हैं ऑफिस और हमारे ऑफिस का पूरा नजारा इन्होंने ले लिया है। तो फिर हम चाह रहे थे कि कुछ दिन देहरादून में रुके हमसे मिले बातचीत हो लेकिन फिलहाल तो ये बोल रहे हैं कि भैया हमें तो जाना पड़ेगा। अबे यार कल बताओ कल मुझे निकलना पड़ेगा कुछ बहुत इम्पोर्टेंट काम आ गया है तो चक्कर में। इनका चेहरा देख के पता लग रहा है कितना इम्पोर्टेंट काम आया होगा है ना वो हम भी समझ गए इसलिए हम भी नहीं रोक रहे इन्हें। हाँ वो बहुत इम्पोर्टेंट काम है और इसलिए इन्हें जाना चाहिए हम इनके साथ हैं। कोई बात नहीं हम लोग फिर मिलेंगे आपसे। फिलहाल के लिए हम आपको करते हैं टाटा बाय बाय मिलते हैं अपने फिर नेक्स्ट वीडियो में ठीक है। कभी और मिलेंगे हम क्या पता अभी प्लान तो मतलब बना था वैसे पर मुझे जाना पड़ रहा है ठीक है पर नेक्स्ट टाइम देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। और इनके हमें देख लेना उत्तराखंड की नॉनी NAUNI आप लोग हमें सब्सक्राइब कर लेना बाकी हमारे आप इनको देख लेना फेमस पर्सनैलिटी है ये तो। बाय बाय करें फिर ओके ये भी तो करेंगे आपको बाय 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 हनी बाय बाय हनी बाय बाय हनी बाय बाय।